अले आजम एक ऐतिहासिक करिश्मा, फिल्मी इतिहास का सबसे सुनहरा पन्ना। आई थिंक इट वाज के आसिम्स ड्रीम टू सी हिज फिल्म मेड इन कलर। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। I have romanced Madhubala a lot of times in my dreams. चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। It will be a big treat for the whole every generation to see this film again. I want to see this great epic back again on screen. कई दशक पहले एक इंसान ने एक रंगीन ख्वाब देखा, जिसे वो सिनेमा के पर्दे पर सिर्फ सफेद और स्याह रंगों में, यानी ब्लैक एंड व्हाइट में ही पेश कर सका। लेकिन आज उसी रंगीन ख्वाब को एक खूबसूरत रंगीन लिबास पहनाकर आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। उस हसीन ख्वाब को देखने वाले का नाम था के आसिफ, और उसने अपने उस ख्वाब का नाम रखा मुगले आजम। सन 1960 में हिंदुस्तान के सिनेमा घरों में एक अजूबे ने जन्म लिया, एक ऐसा अजूबा जो ना तो उस वक्त से पहले कभी देखा गया था और शायद ना कभी देखा जाएगा। मुगले आजम एक प्रेम कहानी, जिसे उसके कहने वाले ने इतनी खूबसूरती से कहा कि वो फिल्म एक ऐसा नशा बन गई जो लोग बार बार महसूस करना चाहते थे। और फिल्मी शब्दकोश में मुगले आजम हर्फे आखिर साबित हुई। देखिए, मुगले आजम नाम लेते ही हर एक चीज जो है वो एक बहुत बड़े पैमाने पे हमें दिखाई देने लगती है। मुगले आजम एक फिल्मी नहीं बल्कि एक क्लासिक है। इट्स एन एपिक, इट्स एक स्टेटमेंट है, इट्स अ फिल्म दैट आई थिंक आवर सिनेमा इज प्राउड ऑफ। मुगले आजम इटसेल्फ वाज अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। यू फॉरगेट that there was nothing like this that had happened earlier. What was really beautiful about the film is that it had a soul. Chup na sakega ishq hamara charon taraf hai unka nazara. Mughal Azam I think has been an encyclopedia of its own time. It revolutionizes the picture, as in it gives you the visual of the Mughal era. देखिए, मुगले आजम क्या है कि ये एक किसी भी फिल्म मेकर के लिए एक बुक की तरह है। इट्स लाइक अ एडिक्शन। अगर एक बार एक आदमी मुगले आजम देख ले, कोई एक आम आदमी, तो उसको लगेगा मैं फिल्म मेकर बन जाऊं, और उसके जीवन की एक हसरत हो जाती है कि एक मुगले आजम जैसी फिल्म मैं अपने जीवन में बना सकूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नॉट ओनली अबाउट जस्ट टेक्निक ऑफ फिल्म, जैसे कि शॉर्ट डिविजन और एक्टिंग ऑल्सो, बिकॉज ऑफ सेट्स दैट वाज सो लैविश। बहुत बड़े सेट्स लगाए गए थे, सालों साल खड़े रहते थे वो सेट्स, एंड फिर भी द वे दे हैड मेंटेन्ड इट, द कलर्स, एवरीथिंग, आई थिंक इट्स ऑल फैबुलस। वो फिल्म कैसे यादगार नहीं हो सकती जिसके हर डिपार्टमेंट ने 100 में से 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। उस फिल्म में एक और बहुत ही यादगार बात, जो आजकल जब मैं खुद फिल्में करने लगी तो समझ में आया कि कास्टिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है। अपने दौर में सबसे ज्यादा शानदार, आलीशान, बड़ी और रॉयल फिल्म जो थी वो थी मुगले आजम। आई थिंक मुगले आजम इज द बेस्ट थिंग टू शो टू द मासेस अबाउट द कम्युनल हार्मनी। नस्रुन मिन अल्लाह फतहुन करीब। प्रजानाम रंजनाद राजा सदेश्वर प्राण पालका सर्वजीवानाम।
every aspect was taken into consideration, the nitty-gritties, right from the jewelry to the costumes to the attitude of every character in the film, just looks so real. Her spoken word itna khoobsurat tha, lagta tha jaise phool jhad rahe. I saw the Mughal-e-Azam on the opening day, second show I came more and saw it. I liked it so much, I was so impressed. It's not just a title of a film. I think that word is used so commonly now, it should be in a dictionary. Because Mughal-e-Azam means classic, Mughal-e-Azam means an epic. Phir film ke kalakar le lijiye, Prithviraj Kapoor, Dilip Kumar, Madhubala, aise naam agar ek saath jud jaye to apne aap mein hi ek ankahi kahani jise ki kabhi hum soch bhi nahi sakte hain ki itne mahaan kalakar ek hi film mein ek saath kaam kare.